यूक्रेन के में जो छात्रों के पढ़ने वाला इशू है इस समय बहुत राइज कर रहा है, और आप लोग जानते हैं कि अब समय है कि वहाँ सेमेस्टर की शुरू होने वाला है, सितंबर से वहाँ पढ़ाई शुरू होने वाली है, और लगभग 20,000 छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में। और अब हालांकि वे लाखों छात्र हैं लेकिन वो अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, अलग अलग देश की, लेकिन यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं चूँकि वार वहीं था। तो यूक्रेन में जो 20,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, अब समय है कि उनको वहाँ पढ़ाई करने के लिए अधूरी पढ़ाई छोड़ करके आए थे। आपको याद होगा फरवरी में सरकार ने जो है वो उनको लिफ्ट कराया था, चार चार मिनिस्टर गए थे, बहुत कुछ उस समय बहुत सारे बच्चों के परिजन जो हैं वो बहुत चिंतित हो गए थे, एम्बेसी पे जाकर के लोग डिमांड करने लगे थे, बहुत चिंता का माहौल दिखाई दे रहा था कि आखिर जंग के दौरान जो है बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। और एक बड़ा हादसा भी हुआ था, एक छात्र जो थे वो मर भी गए थे, शहीद भी हो गए थे आप उनको कह सकते हैं। तो वो इस तरह की चिंता लगभग हर पेरेंट्स को थी, लेकिन अब वार तो ख़त्म नहीं हुई है लेकिन पढ़ाई का जो है वो फिर से उसका इस कॉलेज खोलने का नोटिफिकेशन आया है, बच्चे जो हैं वो उनको बुलाया जा रहा है कि वो आएँ और पढ़ें। कई कंडीशन इसमें हैं जिस समय ये एक तो ये है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं 90% बच्चे हम कह सकते हैं अधिकतम वो डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड ये कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र या तो इंडिया में लगाया जाए। जैसे सरकार ने जिस समय ये आए थे बच्चे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था और चुनाव से ठीक उत्तराखंड में भी चुनाव था, तो उससे पहले इस तरह की बातचीत थी कि इनको राहत दी जाएगी, और वो टीवी मीडिया पर आप लोग देखे होंगे कि बहुत बवाल इस मुद्दे ने काटा हुआ था। तो सरकार जो है उस समय क्रेडिट लेना भी चाहती थी, तो अभी फ़िलहाल वही उसी तरह के सवाल हो गए कि अब आप कोई एडजस्टमेंट, कोई प्लेसमेंट, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी या इनको कोई राहत देने की कोई पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के पास है नहीं। तो NMC में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दो तीन चीज़ें ऐसी की हैं जिसको लेकर के बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के परिजन भी बच्चों के वो परेशान से दिखाई दे रहे हैं, बच्चे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए शाहरुख, आपको तो अब MBBS कर रहे थे आप जी, तो कहाँ से आप MBBS कर रहे थे? मैं यूक्रेन के डेनिप्रो सिटी से MBBS कर रहा था, मेरा 5th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर अभी रनिंग है फिलहाल। रनिंग है, वेरी नाइस। तो जिस समय आप वहाँ से आए शाहरुख, उस समय क्या परिस्थिति थी वहाँ? स्थिति उस समय तक थोड़ा तनाव था, हालात सामान्य थे, मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो मैं 3 फरवरी को वापस लौट आया और 24 या 25 फरवरी को उधर हालात थोड़े गंभीर हुए, लेकिन मैं उससे काफ़ी दिन पहले इंडिया आ चुका था। तो ये अच्छी तकदीर आपके लिए, अच्छा लग था कि आप पहले आ गए, लेकिन फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास कोई वार जैसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। अभी क्या स्थिति है, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे आप बात करते हैं? हाँ जी, मेरे यूक्रेनियन जो फ्रेंड हैं, मेरी अक्सर उनसे बातें होती हैं, तो हालात जो मीडिया दिखा रहा है उस तरह के भी हालात नहीं हैं। ओके, किस तरह के हालात हैं हम आपसे समझ रहे हैं? हालात इस तरह के हैं कि मेरे पास अभी एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक फ़ोटो सेंड की, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं जी, और जिस तरह का हवा बनाया गया है, जो मीडिया का एक ओरा टाइप का करी, ये चल रहा है बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, कुछ इलाकों में जो है रसिया का कब्जा है, सेना सड़कों पर घूम रही है, वो सब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% कुछ गलत है। हाँ, चीज़ें हैं लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे आपने दिखा दिया। अब मीडिया को TRP चाहिए, अब काफ़ी चैनल हैं, मैन स्ट्रीम चैनल हैं, अब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। जब से आपकी फरवरी स्टार्ट हुई है, वो जेलेंस्की शायद कोई जानता नहीं था उससे पहले, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आज पूरी दुनिया जानती है। केवल TRP चाहिए ना, अब जेलेंस्की एक नॉर्मल इंसान है, ग्राम प्रधान को लोग नहीं जानते लेकिन जेलेंस्की के नाम को जानते हैं, पूरा दुनिया में नाम हो गया बिल्कुल। हाँ, तो अभी जो है वो ऐसे हालत हैं कि आप यूक्रेन वापस जा सकते हैं, अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो? देखिए, हालात कुछ भी हो सकते हैं, अगर समझौता शांति वार्ता हो जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये समझौता होना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल सर, समझौता होना चाहिए। मैं आपके पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, चूंकि बिल्कुल, देखो मेरा जो जहन कहता है, मोहब्बतों के बिना तरक्की संभव नहीं है। सारी दुनिया में अमन होगा तो ही तरक्की होगी, आप लड़ाई करते रहें कब तक लड़ेंगे आप? लेकिन ये मोहब्बत की जबान जो है वो पुतिन और जेलेंस्की को तो समझ में नहीं आई। राजनीति है ना सर, राजनीति है। तो लेकिन इस राजनीति में जो है 20-25 हज़ार, कितने स्टूडेंट हैं आप? तकरीबन 20,000 स्टूडेंट आप समझ लीजिए, बाकी
जो व्यवसायिक लोग थे वो भी काफ़ी हैं। हाँ, हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोग फंस गए। फंसना क्या, एक तरह से बस स्टक वाली सिचुएशन है, दोनों पाले हैं कि शांति वार्ता हो जाती है तो सामान्य हो जाएंगे, और नहीं होती है तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, हर चीज़ के दो पहलू हैं। ये बताइए कि ये जो आपके बेटे हैं शाहरुख, जी, तो ये जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, कुछ साल तो रहकर आए हैं, फिर से जाएंगे, लेकिन पहले की जो स्थिति थी आज की स्थिति में थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो सब डिजिटलाइज वर्ल्ड है, टीवी देखते हैं आप, मोबाइल पर खबरें देखते हैं आप, यूक्रेन में और रसिया में जो है वो वार है और हालत जो है वो नाजुक है। आप पिता हैं, आप पिता की भावनाएं जो हैं वो औलाद के लिए हमेशा कमिटेड होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं। ऐसे हालत में आपका दिल इजाज़त देता है कि आपका बच्चा जो है आपका लगते जिगर पढ़ने के लिए जाए वहाँ? जैसे हमारा भारत कृषि प्रधान देश है ना, जी, यूक्रेन भी अपने आप में एक शिक्षा प्रधान देश है, जी, उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी बच्चों से चलता है, जी, कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे। वो कुछ कर तो रहे थे, जभी तो पुतिन नाराज हुआ, मेरा रशिया बड़ा मतलब देश है बच्चों वो, के बारे में कुछ तो वो भी कर रही हैं, मक्की सरकार करेंगी, इधर उधर के आसपास के जो मुल्क हैं उनके उनमें ट्रांसफर करेंगे बच्चों को, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर। करेंगे। लेकिन ट्रांसफर करने में एक है, जैसे हम समझ रहे हैं कि ट्रांसफर करने में दो तीन समस्याएं हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र में एक तो ये प्रॉब्लम है कि पैसा थोड़ा अतिरिक्त देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरा ये है कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, दूसरी जबान वहाँ पढ़ाई किताबों में कुछ, फिर फैकल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, फैकल्टी कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए यूनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है मलेशिया, तो अगर उनकी ब्रांच किसी बोस्निया में, पोलैंड में, किर्गिस्तान में कहीं शुरू करेंगे तो फिर वो एक मेथड होता है पढ़ाने का, तो मेथड में प्रॉब्लम हो सकती है, वो लैंग्वेज तो प्रॉब्लम, यूक्रेन सरकार अपने आप तय करेगी उनको अपने। फुर्सत है ये सब तय करने की, वो तो हाँ, झगड़े में लगे खूब हैं, खूब लग रही है सरकार पूरी तरह, लगी है लग नहीं इसमें रही क्या? बिल्कुल लग रही है सरकार। अच्छा एक चीज़ अब काम की मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों को रसिया पे गुस्सा नहीं आता? मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि रसिया जो है, हमारे गुस्से से हम हाँ अपने कमरे में बैठे बहुत गुस्सा हो रहे हैं रसिया पे, करें क्या? कर नहीं सकते कुछ, अपील तो कर सकते हैं पुतिन, कम से कम इन बच्चों पे तो रहम करो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो जितने भी मान लो इंटरनेशनल लेवल के जो भी मामलात हों, तुम मेरे से बेहतर समझो, जो भी हैं, जब कहीं ऐसी कोई खबर आवे और उसे वो कहें तो वो फिर उस पर बतावे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कराए, कैसा नहीं है, कहीं जनता पर हमने नहीं गिरा, यो करा वो करा तो करा है, वो भी तो बचाव में तो है, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल। अच्छा, जब आपका आपके बेटे से मैंने बात की और आपके बेटे ने ये बताने की कोशिश की कि वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पापा का ये ख्वाब है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, उन्होंने एक कहानी भी सुनाई कि मैंने एक बार जो है वो कॉमर्स ले लिया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटे तुम बायोलॉजी लो, यानी आप चाहते थे बचपन से ही कि वो डॉक्टर बने, और तो फिर जो प्रोसेस था इंडिया में, तो आप इंडिया में आपने क्यों इनको MBBS अच्छा बेहतर माना जाता है यूक्रेन की तुलना में या रशियन कंट्रीज की तुलना में, इंडिया का MBBS जो है वो बेहतर माना जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी तो खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, और आप किसान फैमिली से हैं। यहाँ तो 1.5 करोड़ से कम में चलता ही नहीं काम। ये तो आप जरूर चाहते होंगे कि इंडिया में जो है मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो जाए। सस्ती हो जाए तो बेहतर है, डॉक्टरों की भी सुविधा सही होगी और गांव के लोगों को भी, गरीब लोगों को भी अच्छे डॉक्टरों की देखभाल में इलाज हो जाएंगे। अच्छा एक तरह का चैनल है ना जो डिस्टर्ब करता है, चैनल देखिए, आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ में दे करके डॉक्टर मेडिकल की कोई पढ़ाई करेगा, फिर 1 2 करोड़ में वो उसको क्लिनिक खोलेगा, फिर MD में भी इतना ही पैसा लगता है अगर आगे पढ़ना चाहे तो, और फिर मरीजों से ज़्यादा पैसा लेगा, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सस्ती पढ़ाई होनी चाहिए, सस्ती पढ़ाई होवे कैसे, ये तो सरकार के अंदर सरकार के का काम अख्तियार की होगा, बात है। सरकार थोड़ा ध्यान दे, सरकार सीट बढ़ावे। अच्छा ये बता सकते हैं आपने ये सोचा कैसे था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने? कोई माइंड में कोई घटना कुछ आई थी कि मैं डॉक्टर बने? अभी तो जो हालात है वो है, तकदीर आज भी, आज भी मेरी राय में, आज भी है। सुब हिंदी में बात करूं, आज भी मेरी राय में डॉक्टर को
साक्षात भगवान का रूप मानना जाए।